और ये साईं बाबा की कृपा और आशीर्वाद ही मान, और यूं समझ लो पूरे दिन में इतनी थकान नहीं हुई जो। तो एक्चुअली अभी हम बीनागंज हैं और नारे में दूसरी कप, हर जगह दूसरी कप। अच्छा, लौंडा मस्त है, बाकी सब पस्त है, और ये हमारे ऐसा लग रहा है जैसे रजिया फंस गई गुंडन में। तो एक्चुअली अब हम रुक चुके हैं शिवपुरी में और यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और हमारे साहिल भाई साहब ने मंगाए हैं चावल मतलब पुलाव, और हम खा रहे हैं पराठे अचार से, चाय का ऑर्डर दे दिया है। और काफ़ी अच्छा सफ़र है और काफ़ी अच्छी रोड है, रोड नंबर एक औसम, कोई ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत कहीं नहीं थी, छोटे मोटे कोई पैच थे वो ख़राब थे, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारी रॉयल इनफील्ड हिमालयन जो है ऑफ रोड के लिए बनी है, तो कोई बात नहीं, अच्छा रहा। और बाकी के सारे भाई बंधु हमारे यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और एक बार मैं आपको जब तक ये थोड़ा सा सेटिंग होती है ब्रेकफास्ट की, मैं अपनी एक बार बाइक्स वगैरह दिखा देता हूँ आपको किस तरीके की जम रही है, तो देखें आप फिर देख लो एक बार मेरी लाडो और साहिल की ब्लैक मॉन्स्टर, हमारे भाई साहब हरिंदर जी की लक्ष्मी और युधिष्ठिर भाई साहब। साहिल भाई साहब हमारे लग रहे हैं धुआंधार भूल गरीब, पराठे खा रहा है, गुलाब की खाता पराठे खा रहा है, दोनों चीज़ है, गुलाब भी खाएगा पराठे खाएगा। युधिष्ठिर भाई साहब हमारे मजे मारते हुए, ये हमारे हरिंदर भाई साहब और ये आपके भाई साहब धर्मेंद्र सिंह। तो अभी खा रहे थे 700 किलोमीटर बता रहा है साहिल, मेरे मुंह से गलत निकल गई, 900 नहीं 700 किलोमीटर है अभी शिरडी, और करीब 10 के आसपास 10-11 घंटे और लगेंगे। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलते हैं। Dame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. Cool, तो क्रॉस किया है हमने और यहाँ से बदरवास 21 किलोमीटर है। रोड परफॉर्मेंस अभी बहुत शानदार, बाइक परफॉर्मेंस A1, और अभी वही जोड़ी सेट है, मैं और युधिष्ठिर भाई साहब साथ हैं एक ही इंटरकॉम पर, और साहिल हरिंदर आगे निकल चुके हैं। इस रोड पर एक ख़ास बात ये देख रहा हूँ मैं, एक तो ये 6 लाइन रोड है और यहाँ पर ट्रैफिक ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, कभी कभी ट्रैफिक आपको ज़रूर मिलेगा, अदरवाइज़ ट्रैफिक ऐसा नहीं है कि आपको डिस्टर्ब करे। अभी 759 किलोमीटर हम दूर हैं और गूगल के हिसाब से 14 घंटे 22 मिनट हमको अभी लगेंगे। बहुत बात है, और हमारे युधिष्ठिर भाई साहब को लगाई थी गर्मी, और हमारे युधिष्ठिर भाई साहब ने राइडिंग गियर के अंदर के इनर सिनर सब निकाल के दिए फेंक, और हम अभी तक उनको कसे हुए बैठे हैं, और गर्मी थोड़ा सा अपना प्रकोप दिखा रही है, 38 डिग्री टेम्परेचर मेरा अभी मीटर कंसोल दिखा रहा है। सीनरी बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ काट कर ये रोड बनाया गया है जो आप देख रहे हैं, हमारी नज़रों से आपकी खिदमत में हाजिर है ये एक चिकनी चिपड़ी रोड। और ये बिल्कुल चिकनी और लहराती बलखाती रोड, और लेफ़्ट साइड में देखेंगे आप, लेफ़्ट साइड में देखो आप क्या शानदार ग्रीनिश एरिया, और यहाँ से रूठी आई 7 किलोमीटर है, बहुत ही सुंदर नज़ारा, थोड़ी धूप जरूर हो गई लेकिन मौसम में ठंडा। और आप बहुत ही अच्छा एक प्राकृतिक दृश्य आपको देखने को मिलने वाला है, मैंने कहा आपको क्या बात है, लुक एट दिस ब्यूटीफुल ऑसम प्लेस, माइंड ब्लोइंग, ये देखो क्या बात है, रोड भी देखने लायक, नज़ारा शानदार है, रोड भी देखने दिखाने लायक है। हमारे युधिष्ठिर भाई साहब थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, इंटरकॉम से कनेक्टिविटी कम हो रही है, तो वो कह रहे हैं प्लीज़ आ जाइए, हमने कह दिया है अपने चाहने वालों को इस पूरी सुंदरता का दर्शन कराते हुए हम आ रहे हैं, और हम बिल्कुल अब आ चुके हैं भाई साहब के पास, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, और देखो बीच में ये लाइट्स जो आ रही है ना रात को जलती हुई, तो क्या सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता होगा, वाह क्या बात है, एक नंबर। तो एक्चुअली अभी हम बीनागंज हैं और यहाँ पर एक चाय ब्रेक ले लिया, चाय इनकी बहुत शानदार है, मैं दूसरी कप, हर जगह दूसरी कप। अच्छे, सबसे बढ़िया बात ये रही, अब जब से भरतपुर से चले हैं जहाँ भी हमने चाय पी है वास्तव में A1 चाय मिली है, और अभी टेम्परेचर हो गया है 26, थोड़ी सी गर्मी है, एनर में आ गए हैं,
राइडिंग गियर फिलहाल उतार कर रख दिया है, इसका जो इनर लाइनर है वो भी हटा दिया है मैंने, आगे इनर लाइनर नहीं पहनूंगा मैं। एक कप चाय और मंगा लिया, एक कप चाय और पियेंगे हम, उसके बाद फिर हम चलेंगे और करीब अभी 600 किलोमीटर के आसपास, 600 किलोमीटर और रह गया अभी साहिल। तो सीन ये, बीच में फ़ोन आ गया था, सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो अभी एक्चुअली करीब 600 किलोमीटर के आसपास हमें और जाना है और गूगल महाराज बता रहे हैं कि 1:30 बजे करीब पहुँचेंगे, तो कोशिश करते जल्दी पहुँचें, रिलैक्स करें और कल फिर अपन मंदिर जाएंगे और शिरडी बाबा के दर्शन करेंगे। और अभी चाय एक कप और पी लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। साहिल तो कह रहा चलो चलो चलो, साहिल का बड़ा सिस्टम बढ़िया है, पहले आके बैठ जाएगा और फिर हम पीछे से धक्का मार के आते हैं, ये जब तक आराम से चिल कर लेता है। अरे चलो चलो चलो, अब नहीं जाएंगे हम आराम से। अरे हमारे साहिल महोदय है, हेलो, लौंडा मस्त है, बाकी सब पस्त है। और ये हमारे ऐसा लग रहा है जैसे रजिया फंस गई गुंडन में। कैसे फंस गई? क्योंकि ये इसके संग राइड कर रहा है पहली बार और इसकी राइडिंग सुभानअल्लाह है, मतलब अच्छी राइड करता है ये, वास्तव में काबिले तारीफ राइड है, लेकिन ये पहली बार राइड कर रहा है इसके संग, तो इसको थोड़ा सा डाउट है। मैंने कहा आप चिंता मत करना, आराम से इसको फॉलो मत करना, ये ध्यान रखना। तो चलिए यहाँ से एक कप चाय और पीते हैं। अभी हम यहाँ रुक गए हैं और 523 किलोमीटर अभी शिरडी रह रहा है, और हमारे युधिष्ठिर भाई साहब और हरिंदर भाई साहब की टंकी भी से पेट्रोल कम हो गया है तो फिल कर रहे हैं, और हमने अभी तक हमारी दोनों जेरी कैंस भर रही हैं। परफॉर्मेंस मेरी बाइक की शानदार है, आ रही है अभी तक रिकॉर्ड है, और बाकी आप देख सकते हो पीछे लाइन लगी हुई है और बहुत ही शानदार रोड है। एक्चुअल में ये रोड सीसी रोड है, तो टायर तो खाती है लेकिन रोड नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा। आप देख लीजिए मेरे चारों तरफ, इधर बहुत शानदार, इधर ग्रीनिश एरिया प्रॉपर। तो बाइक आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं, मेरी लाडो, और ये युधिष्ठिर भाई साहब की बाइक, टंकियों को खाली कर रहे हैं, जेरिकेन टंकी को फुल कर रहे हैं, जेरिकेन को खाली कर दिया है। ये हमारे साहिल भाई साहब परफॉर्मेंस A1, और ये हमारे हरिंदर भाई साहब परफॉर्मेंस A1, पेट्रोल ज़्यादा पी रहे हैं बस, खाली इतना ही फर्क है। बाकी अपनी आपके भाई की शानदार चल रही है, मेरी बढ़िया चल रही है, नहीं चल रही है टंकी का, हमारी धोबे लग रहे हैं ना, कर यूँ कह रहे हैं हमारी धोबे लग रहे हैं, तो हमारी बाइक की धो रहे हो, हम तुम्हारी धो रहे हैं, बाइक को ढंग से चलाएं। और बाकी वैसे ये चल मेरे संग ही रहे, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर पड़ रहा है, हालांकि बाद में सर्विस वर्विस कराएंगे तब दिखाएंगे। तो लुक एट दिस ब्यूटीफुल माय लाडो, थोड़ी सी गंदी हो गई है, साफ़ सफाई करेंगे इसकी। तो चलिए, यहाँ छोटा सा ब्रेक ले लिया था, पेट्रोल वेट्रोल फिल किया है, और चारों तरफ पहाड़ी एरिया है, पहाड़ से लगाव है, चारों तरफ पहाड़ी है, धूप आ रही है सामने से, आई होप कि आपको मैं सही दिख रहा हूँ। चलिए तो हम यहाँ से फिर निकलते हैं दोबारा, और नेक्स्ट कहीं भी स्टॉपेज होगा फिर मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। के बनाया हुआ है पूरा रोड, इस पूरे रोड पर सिर्फ इसी जगह ये पवन चक्की मिलती है, इधर भी देखो आपको दिख रही होगी, और शानदार ब्यूटीफुल रोड, क्या बात है, ऑसम प्लेस, ये देखो क्या बात है, क्या बात है, वाह। और गाड़ी आ चुकी है हमारी रिजर्व में, तो हमारे युधिष्ठिर भाई साहब जो जेरी कैन है उनको खाली कर रहे हैं हमारी बाइक में। एक्चुअली 600 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है बाइक, तो चैन ल्यूब कर लेते हैं, क्योंकि अभी युधिष्ठिर भाई साहब की बाइक में ऐसा कुछ लग रहा है कि हमें प्रॉब्लम सी आ रही है, तो मैंने कहा हम भी कर लेते हैं, 1000 का क्यों वेट करना, रेगुलर चल रही है बाइक तो करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 600 किलोमीटर या 1000, कंपनी 1000 क्लेम करती है लेकिन अपन 600 किलोमीटर पर कर लेते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बाइक, और ये प्रॉपर सही होना चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट रहना ही चाहिए।
बात नहीं, चैन लूप कर ली है, मैंने भी कर ली है, साहिल ने भी कर ली है और युधिष्ठिर भाई साहब और सभी ने कर लिया। जब रुके हैं तो जब एक कर रहा है तो सभी कर लेते हैं, क्योंकि 600-700 किलोमीटर के आसपास हमारी बाइक चल चुकी है। कंपनी 1000 क्लेम करती है प्रोटोलिन को, लेकिन हम 600-700 पे कर लेते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना है। बाइक एकदम एग्जैक्ट रेडी और अब स्टार्ट, यहाँ से दोबारा राइड अगेन। चलिए नेशनल हाईवे नंबर 52 पर लाइट्स जल चुकी हैं, सूर्य देवता भी अस्त होने जा रहे हैं और जब डार्क हो जाएगा तो गोप्रो भी बेचारा रोने लग जाएगा। तो हम अभी चलते जा रहे हैं, अभी रुक चुके हैं हम इंदौर, गोवर्धन जूस बार है इस जगह का नाम और अच्छा खासा रेस्टोरेंट है, तो अभी यहाँ खाना खाएंगे। और हमारा भी छोटा सा भाई मिला, हमें सब्सक्राइबर बन गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। और हमारे साहिब भाई ने ऑर्डर दे दिया है चाहे दाल फ्राई, दाल फ्राई, पनीर लबाबदार और पापड़ फ्राई, चाइनीज भेल और गार्लिक। बकवास कर रहा है, बकवास कर रहा है, सादा जीवन उच्च विचार, दाल फ्राई और रोटी, बाकी एक आध पनीर वाली सब्जी मंगाई होगी इसने। तो चलिए ऑर्डर दे दिया है, आने तो खाना खा के जाएंगे और अब सीधा शिरडी रुकेंगे। अभी शिरडी करीब 400 किलोमीटर के अप्रोक्स और है और रात को 2-2:15 बजे के आसपास पहुँचेंगे, तो ये है प्लान और कोशिश करूँगा जितना दिख जाएगा दिखाएंगे, बाकी उसके बाद बंद कर देंगे और सीधा फिर आपको रूम पे मिलेंगे। तो चलिए अभी एक थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं फिर निकलते हैं। काफ़ी सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, दो तीन पराठे खा के निकले थे, बाद में 2-3 चाय पिए हमने। तो बात यही है, बाकी सारी कैमरे वैमरे की बैटरी ख़त्म हो चुकी है, सारे गैजेट्स हैं, सारा यहाँ टाल लगा दिए, सारे चार्जिंग पे लगे हुए हैं। तो चलिए अब खाना खा के निकलते हैं फिर यहाँ से। ये है वो जगह गोवर्धन फैमिली रेस्टोरेंट जहाँ पर हम अभी डिनर कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, अंदर काफ़ी साफ़ सफाई है, बाकी खाना भी देखेंगे, ऑर्डर दे दिया है तो पता चलेगा। मैंने सोचा एक बार आपको वॉक अराउंड देखूं बैठा, तो इसके एक छोटा सा सिनेमैटिक शॉट देख लो। Hasta que me convierta en rayos y más allá a través de la oscuridad. एक छोटा सा डिनर करके निकल चुके हैं, ज़्यादा तो कुछ खाया नहीं हमने, एक्चुअली भूख भी ऐसी हो जाती है, पकी जाती है एक तरीके से, तो एक आध दाल फ्राई और एक आध सब्जी मंगा के खाया। खाना बहुत औसम था, बहुत शानदार लजीज था, गोवर्धन फैमिली रेस्टोरेंट। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं और ये रोड जो जा रहा है सीधा बम्बई, तो कोशिश यही है कि शिरडी जाकर स्टे करें, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है अप्रोक्स 7:25 और शिरडी यहाँ से 8 घंटे 2 मिनट दूर है और अप्रोक्स 390 के अप्रोक्स किलोमीटर दूर है। तो कोशिश क्या, मतलब जाना तो शिरडी है, शिरडी जाकर रेस्ट करेंगे और कल हम दर्शन करेंगे। 10:32 अभी टाइम हो गया, 10:32 और हमें जाना है अभी 221 किलोमीटर। और मैंने और युधिष्ठिर भाई साहब ने दोनों ने अपनी बाइक में पेट्रोल भरवा लिया है, बाइक में पेट्रोल भरवाया है 110 रुपये 40 पैसे पर लीटर और ये 5 घंटे हमको और लगेंगे, लेकिन ठीक है, कोई इशू नहीं, आराम से चल रहे हैं, 80-90 से ऊपर बाइक नहीं चल रही है हमारी। एक्चुअली हम शिरडी से करीब 128-127 किलोमीटर दूर हैं, अभी बोर्ड आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। और अभी ये मुंबई रोड है पर एक्चुअली इस पर इतनी गड्ढे हैं तो लग ही नहीं रहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, और ये मुंबई का रोड है और हम मुंबई वाले रोड पर चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा है, पता नहीं ये देखो कितने गड्ढे से हैं, ऊबड़ खाबड़ रोड है। शिरडी यहाँ से 139 किलोमीटर शिरडी, नासिक 150, मुंबई 330 और काफ़ी ट्रक पौ हो रही है इस रोड पे, और फिलहाल तो ट्रक ही मिलेंगे और तो क्या मिलेगा, कुछ ही व्हीकल्स हैं, बाकी अदरवाइज सारे ट्रक ही ट्रक हैं। आज सुबह मॉर्निंग में 3:30 निकले थे और 3:30 ही शिरडी पहुँचे हैं, अब आप ये लगाओ 24 घंटे में से आप 3-3.5 घंटे एग्जैक्टली लगभग 3-4 के बीच में ऐसा टाइम मान लो कि हम कहीं रुके, कहीं हमने ब्रेकफास्ट भी किया, लंच भी किया और चाय वाय भी पी, अदरवाइज़ पूरे दिन बाइक चलाइए,
होटल की रोशनी है, थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर लेना। तो 3:33 हो रहे हैं और हम अभी आकर इस रूम में सामान फैलाया हमने अपना। 1057 किलोमीटर बैठता है, पूरे दिन सिर्फ बाइक चलाई है, सब कुछ बढ़िया। सारे हम जितने भी चारों हैं तो रेस्पॉन्सिबल राइडर हैं, आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं, तसल्ली से आए हैं और राइड बहुत अच्छी रही। बस थोड़ा सा ये पैच ख़राब था, मालेगांव से शिरडी का जो रास्ता है 100 किलोमीटर का वो ज़रूर ख़राब था, अदरवाइज़ सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रोड, पीसफुल रोड जो आपने देखा भी होगा, पसंद भी आया होगा आपको। तो चलिए, जो भी है ऊपर वाले की इच्छा, सब तरीके से जीना आना चाहिए, कठिन परिस्थितियों में भी राइड करना आना चाहिए, कठिन परिस्थितियों में भी जीना आना चाहिए। और यूँ समझ लो पूरे दिन में इतनी थकान नहीं हुई, जो 90 से 100 किलोमीटरों ने जो हमारी बैंड बजाई है ना, बस पूछो मत। और ये साईं बाबा की कृपा और आशीर्वाद ही मान लो कि हमारे युधिष्ठिर भाई साहब का टायर बिल्कुल ख़राब, चैन में कोई प्रॉब्लम थी लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आई और हम सकुशल सुरक्षित 3:30 पे इस होटल में आ चुके हैं, रूम ले लिया है। रूम बाद में दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ये रोड इतना खराब है कि बस खराब भी शर्मा जाए। तो अब थक गए हैं, डाटा ट्रांसफर सुबह करेंगे, कल सुबह मॉर्निंग में हमें साईं बाबा के दर्शन करने हैं, मंदिर जाना है, तो 2 बजे से हमारी बुकिंग है, तो सुबह करेंगे डाटा ट्रांसफर। अभी करने के कुछ मूड में नहीं है, नहीं मूड तो खूब है लेकिन यूं समझ लो शरीर का एक एक अंग ऐसे दुख रहा है कि बस पूछो मत। तो अब एक बार मैं इस रूम को दिखा देता हूँ जो हमने लिया है और उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। तो देखिए अभी जो सारा सामान हमने फैला दिया है यहाँ पे, ये सारा सामान बिखरा हुआ है। और वैसे देखा जाए तो ये छोटा सा रूम है, हमने 2 रूम लिए, साहिल और हरेंद्र उस रूम में है, मैं और युधिष्ठिर भाई साहब इस रूम में है, तो अब यहाँ रेस्ट करेंगे। रूम बहुत बढ़िया है, अभी हमारे भाई साहब गए हुए हैं बाथरूम में और देख लीजिए छोटा सा रूम है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, 1500 रुपए में रात काटनी है। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, थक गए अब तो जो समझ लो क्षमता भी नहीं रही है, हालत खस्ता हो गई है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। See myself.